नमस्कार, मैं सुमित्रा कोकराझार आसाम से आप सभी को स्वागत है चैनल विद सुमी में। आज सुमी के किचन में सूजी और दही की रेसिपी झटपट बनने वाली और हेल्दी रेसिपी है। तो हेल्दी रेसिपी के साथ में हेल्दी लाइफ के टिप्स भी। किसी एक बुजुर्ग लेडी की इंस्टाग्राम वीडियो में मैंने सुना था कि अगर हम हेल्दी या अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं तो कुछ ये इन्ग्रीडियंट्स भी हमारे लाइफ में ऐड करना जरूरी है, जैसे सच्चाई, ईमानदारी, भाईचारा, आपस का प्रेम, सहयोग बहुत ही आवश्यक है। आपको न किसी की बुराई में जाना है, न किसी की बुराई मोल लेना है, न किसी की फटे में टांग फंसानी है। अगर इन बातों को ध्यान में रख के शांत और अच्छे माहौल में चलेंगे तो हम आराम से हमारी ज़िंदगी काटेंगे। तो बहुत बढ़िया लगा ये मुझे उनका कहना। हेल्दी लाइफ के टिप्स के बाद आप आते हैं रेसिपी पे। आधी छोटी चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच चीनी की पाउडर। तो यहाँ हमने एक छोटा सा पैकेट इनो फ्रूट्स का लिया है, तो इसे कट कर हम एक कटोरी में पानी के साथ मिक्स करते हैं। आगे अब ये सारा इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्सअप करना है। झटपट बनने वाली ये रेसिपी हेल्दी भी है और नाश्ते के रूप में भी हम खा सकते हैं। कभी दोपहर के टाइम में भी बना के खा सकते हैं। इसे भिगोने में थोड़ा टाइम लगता है, बस बनने में भी ज़्यादा टाइम नहीं, करीबन 20 मिनट 25 मिनट में बनके तैयार हो जाता है। तो यहाँ हमने घी लिया है, घी से स्वाद और इन्हेंस हो जाता है। इसलिए तरह से अब हम इसको स्टीम में रखेंगे। तो डिब्बे को अच्छी तरह से टपटपाना है। बस अब उबला हुआ पानी में एक स्टैंड रख के उसके ऊपर में बस इसको छोड़ देते हैं। तो ये 20 मिनट तक बन के तैयार हो जाता है। इसे पानी से उतर कर हम साइड में रखेंगे, इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे कुछ देर तक। जब ये ठंडा हो जाएगी तब आप हाथ से टच करके देख सकते हैं। तो अभी ठीक है, अब इसे हम चाकू से साइड साइड से ऐसे करते हैं। तो अब इसको हम निकाल रहे हैं। वाव, देखिए कितना अच्छी तरह से बन के तैयार हो गई है। अब इसे कुछ देर के लिए हम ढक कर रखते हैं, जो नरम बनी रहे तब तक हम तड़का के लिए तैयार करते हैं। तो यहाँ हमने हरी मिर्च लिया है, इसका बीज निकाल के फेंक देते हैं। और काला सरसों और करी पत्ते, तो मस्टर्ड ऑयल में छोक लगा रही हूँ। अब इसके ऊपर में अच्छी तरह से गरम छोंक देते हैं। वाव, मस्त खुशबू है। अब इससे आप अपनी मनपसंद की शेप में कट कर सकते हैं। तो आज हमने यहाँ ट्रायंगल शेप में कट कर रही हूँ। एक कटोरी सूजी और एक कटोरी दही से 8 पीसेस ढोकला बनके तैयार। ये भी मोटा वाला बड़ा वाला शेप में है, तो 3 या 4 फैमिली मेंबर्स हम लोग चाय के साथ खा सकते हैं। तो आज का रेसिपी झटपट बनने वाली और स्वादिष्ट और हेल्दी है। तो ये वीडियो अंत तक देखने के लिए मेरी सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर जल्दी ही मिलते हैं, तब तक आप सभी मस्त रहे, व्यस्त रहे, पर स्वस्थ भी रहे।